हेलो स्टूडेंट दिस इज़ लेक्चर फोटीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था डाइन्स के बारे में ठीक है तो डाइन्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स पढ़ा था हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइन्स पढ़ा था ठीक है तो केमिकल रिएक्शन ऑफ़ डाइन्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी थी जैसे कि डायल्स ऑल्डर रिएक्शन वन टू वन फोर एडिशन रिएक्शन ठीक है तो उनके बेसिस पे मैंने आपको जो कल नोट्स दिए थे मैंने उन रिएक्शंस के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे तो आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चन को ठीक है तो आपने डायल्स ऑल्डर रिएक्शन में जैसे आपने पढ़ा है कि डायल्स ऑल्डर रिएक्शन में तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ एस ट्रांस कॉन्फर्मेशन अब एस सिस और एस ट्रांस कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत कहाँ है डाइल्स ऑल्डर रिएक्शन के लिए ठीक है अगर वो एस सिस कॉन्फर्मेशन है तभी हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल है अदरवाइज पॉसिबल नहीं है तो इनमें से एस ट्रांस कॉन्फर्मेशन पूछी है सिस नहीं पूछी है तो एस ट्रांस का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होनी चाहिए तो ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर और ये दो डबल बॉन्ड्स हैं तो ये दो डबल बॉन्ड सेम साइड में है तो ये एस ट्रांस तो नहीं है कौन सी है ये एस सिस है ठीक है अब इसकी बात कर लेते हैं ये सिंगल बॉन्ड है और इसके अराउंड दो डबल बॉन्ड्स हैं तो एक लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट right साइड है ठीक है तो ये दोनों क्या है ट्रांस में है तो ये कैसी कॉन्फिग्रेशन है एस ट्रांस अब इधर बात कर लेते हैं इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड दो डबल बॉन्ड्स हैं तो ये एक डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी कैसी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिग्रेशन है एस ट्रांस ठीक है अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड इसके पास दो डबल बॉन्ड्स और दोनों सेम साइड में है तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है एस सिस कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो आपने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पहचाननी थी वो हमने पहचान ली है नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफाइल एंड डाइन विच गिव द प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन ठीक है तो आपको पता है ये प्रोडक्ट जब बनता है ये डाइल्स ऑल्डर रिएक्शन से बनता है जिसमें साइक सिक्स मेम्बर साइक्लिक रिंग और एक डबल बॉन्ड मीन साइक्लोहेक्सीन प्रेजेंट होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये फोर बॉन्ड्स आते हैं आपके पास डाइ दा, डाइन्स की वजह से और ये जो बॉन्ड्स आते हैं आपके पास ये आते हैं डाइनोफाइल की वजह से ठीक है तो ये तो डाइन वाला पार्ट है ये डाइनोफाइल वाला पार्ट है तो डाइन कौन सी होगी डाइन ऐसी होगी जो कि एक मिथाइल ग्रुप कंटेन करती होगी फोर कार्बन के साथ तो ये वाली क्या है हमारे पास डाइन है ठीक है अब डाइनोफाइल डाइनोफाइल में ये ग्रुप होना चाहिए तो डाइनोफाइल ऐसी होनी चाहिए जो ये ग्रुप कंटेन करती हो ठीक है तो ये हमारे पास क्या होगी डाइनोफाइल तो ये हमारे पास क्या हो गया मैलिक एनहाइड्राइड और ये हमारे पास क्या हो गया मिथाइल सब्सटीट्यूटेड डाइन तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलेक्ट द आइसोलेटेड क्यूमुलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड डाइन तो हम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आइसोलेटेड डाइन वो होती है जो कि जिसमें डबल बॉन्ड मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होता है तो यहाँ पर तो और कॉन्जुगेटेड जिसमें वन सिंगल बॉन्ड होता है दो डबल बॉन्ड्स के बीच में क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड जो है सक्सेसिव कार्बन के बीच में होता है ठीक है तो यहां पर ये कैसा है डबल दोनों डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है तो ये कैसा है कॉन्जुगेटेड ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ये सक्सेसिव कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो ये हमारे पास कैसे डाइन है क्यूमुलेटेड डाइन नेक्स्ट है आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल से सेपरेटेड है एक से फिर आगे फर्दर डबल बॉन्ड सिंगल से सेपरेटेड है तो ये हमारे पास कैसी डाइन है कॉन्जुगेटेड डाइन ठीक है नेक्स्ट है आपके पास ये दो डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है तो ये कैसी है आइसोलेटेड डाइन ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ वन फोर पेंटाडाइन एंड वन थ्री पेंटाडाइन फर्स्ट विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन फोर पेंटाडाइन एंड वन थ्री पेंटाडाइन तो ये हमारे पास होगी वन फोर पेंटाडाइन और ये हमारे पास क्या है नेक्स्टली वन थ्री पेंटा डाइन ठीक है तो अब इन दोनों में से पूछा है कि कौन सी स्टेबल है तो अकॉर्डिंग टूअर्स वन फोर पेंटाडाइन इज सॉरी वन थ्री पेंटाडाइन इज़ मोर स्टेबल दैन वन फोर पेंटाडाइन क्यों क्योंकि वन थ्री पेंटाडाइन जो है वो है कॉन्जुगेटेड डाइन और वन फोर पेंटाडाइन जो है वो आइसोलेटेड आइन है तो कॉन्जुगेटेड डाइनस में हमारे पास क्या होती है डीलोकलाइजेशन होती है जिसकी वजह से हमारे पास क्या आती है स्टेबिलिटी आती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस तो ये हमारे पास डाइन है और ये डाइनोफाइल है तो मैंने बोला था आपको कि अगर आपने रिएक्शन ऐसे तो स्टार्ट कैसे होगी यहाँ से इनिशिएट होगी फिर ये बॉन्ड इधर और फिर ये ऐसे तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया ये जो सब्सटिटूंट है ये यही लगा रहेगा तो ये फोर कार्बन किसके बना दिए मैंने डाइन के ठीक है नेक्स्ट अब डाइनोफाइल वाला बॉन्ड आएगा तो ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच होगा ये मैंने अटैच कर दिया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा फिर यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे और जो सब्सटिटूंट साथ में लगे हैं वो एज सच लगे रहेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट ये है फोर कार्बन इसके ये बॉन्ड bond... अच्छा सबसे पहले तो हमें इसको ठीक करना है कि कैसे डाइन की फॉर्म में रहेगा ये तो हमारे पास सबसे पहले तो ये आपके पास क्या है डाइनोफाइल डाइन ठीक है ये हमारे पास डाइनोफाइल है तो इसको आप नंबरिंग देना चाहते हो तो दे दो वन टू थ्री एंड फोर ठीक है अब क्या करें यहाँ पर थ्री एंड फोर कार्बन पर डबल बॉन्ड है यहाँ लगा दिया मैंने थ्री फोर और फिर उसके साथ क्या अटैच है एक एक सिंगल बॉन्ड ठीक है सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड ओ फिर एक सिंगल बॉन्ड ऐसा ही है ये थ्री फोर इसको नंबर दे दिया थ्री फोर और ये कैसा हो गया टू और ये कैसा हो गया वन ठीक है तो अब आप क्या करेंगे ये इधर शिफ्ट ये इधर और ये इधर तभी होगी पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट बनने की तो इसको तो मैंने आज सच लिख दिया ये डाइन वाले होंगे फोर कार्बन वन टू थ्री फोर अब ये इधर थ्री वाला कार्बन ये रहा फोर वाला कार्बन ये रहा अब थ्री वाले के साथ क्या क्या अटैच है डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री तो ये आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास इधर ये इधर आपने डाइन सॉरी डाइनोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है क्या है ये डाइनोफाइल है तो डाइनोफाइल यहाँ पर किस कॉन्फ़िगरेशन में है सिस्स और ट्रांस ये यहाँ पर ट्रांस में है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी किस में बनेगा ट्रांसफॉर्म में तो पहले तो ये इधर इस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर तो ये फोर कार्बन बनाऊँ पहले तो वन टू थ्री फोर और यहाँ बॉन्ड और इसके साथ सी टू एच फाइव वो एज सच रहेगा ठीक है नेक्स्ट ये दो वाले कार्बन वन और ये टू ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे अब ये कॉन्फिग्रेशन कैसी है ट्रांस तो मैंने ट्रांस शो करना है एच इधर वेज में हो गया तो इधर सॉलिड में इसका मतलब ये कैसे हो गया ट्रांस कॉन्फिग्रेशन होगी ठीक है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है तो ये तो था हमारे पास डाइंस के आ कुछ क्वेश्चन अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है एल्काइंस ठीक है तो सबसे पहले तो एल्काइंस होते क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए सो वॉट आर एल्काइंस एल्काइंस आर अन हाइड्रोकार्बन्स अब अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं एल्काइन्स ठीक है बट में तो हमारे पास एल्कीन भी आता है ठीक है बट एलकाइ वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या कंटेन करते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी हम उनको क्या बोलते हैं एल्काइंस तो इट मीन्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होना चाहिए Unsaturated hydrocarbons having general formula. तो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला तो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास एल्काइंस का तो वो जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था डाइन्स ठीक है तो जो एल्काइंस होते हैं दे आर आइसोमरिक विद एल्का डाइन्स ठीक है दे आर आइसोमरिक विद एल्काडाइन्स ठीक है ये तो हमें पता ही है कि आइसोमेरिक होते हैं विद एल्काडाइन्स ठीक है फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाइन है ठीक है ये किसके साथ आइसोमेरिक है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बस यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट आ गया है ठीक है तो नेक्स्ट जो अब हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है नॉमन क्लेचर ठीक है नॉमिन क्लीचर में हम अभी तक क्या स्टडी करते आए हैं क्लीचर में हमने पढ़ा है आई यू पी एस सी नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग ठीक है तो अब आपके पास सबसे फर्स्ट जो एल्काइन ग्रुप है वो है हमारे पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है इसके लिए हमने दोनों चीज़ें पढ़नी है कॉमन नेमिंग भी पढ़नी है और आई पी एस सी नेमिंग भी तो जो कॉमन नेमिंग है वो है हमारे पास एसीटाइलिन जब दो कार्बनज होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं एसिड ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कॉमन नेमिंग क्या है एसिट ठीक है और आई नेमिंग जब आप लिखते हो तो हम याद रखते हैं इथ मिथ प्रॉप ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन है तो इथ आएगा और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा इसकी आयू नेमिंग इथाइन ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास सी एच थ्री C ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है अब इधर जो कॉमन नेमिंग है देखो दो जहाँ होते हैं दो कार्बन उसको हम एसिटाइलिन बोल देते हैं तो यहाँ पर भी तो दो कार्बन है तो इसकी नेमिंग आप दो तरीके से कर सकते हो या तो इसको बोल सकते हो मिथाइल एसिटाइलिन अगर आपने कॉमन नेमिंग करनी है मिथाइल एसिटाइलिन और एलाइलिन क्या बोल सकते हो एलाइलिन ये आपके पास क्या है ये हमारे पास है एलिन बट यहाँ पर तीन कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन तो ये हमारे पास क्या हुआ एलाइलीन ठीक है और अगर इसकी आपने आई यू पी -ए -सी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले आई पी ए सी में देखो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है तो यहाँ पर तो तीन कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है और वन नंबर आपने प्रेफरेंस देनी है कि डब्ली ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर वन नंबर आए तो यहाँ पर इसी पर वन आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं प्रॉप वन आइन ठीक है और अगर आपके पास वन पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम ना लिखने की बजाय भी पोजीशन ना डिस्क्राइब करने की बजाय भी इसको क्या लिख सकते हैं प्रोपाइन अगर वन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो नेमिंग करनी है हमने वो करनी है इसके लिए सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है यहाँ पर अब देखो कॉमन नेमिंग जो है वो कैसे करोगे ये तो एसिटाइलिन हो गया इसको क्या बोलोगे और ये क्या हो गया इथाइल तो इथाइल एसिटाइलिन ये तो कॉमन नेमिंग एक तरह से होगी ठीक है बट इसका एक अलग से नेम और है दैट इज़ एल्फा क्रोटोन क्रोटोनाइलिन एल्फा क्रोटोनाइलिन ठीक है अब एल्फा मतलब जो फर्स्ट कार्बन जो ट्रिपली बॉन्डेड है उसको एल्फा नेक्स्ट इज बीटा नेक्स्ट कामा डेल्टा ठीक है तो यहाँ पर एल्फ़ा पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने इसको क्या बोल दिया एल्फा डिनोट कर दिया और जब फोर कार्बन होते हैं हमारे पास तो उसे हम क्या बोलते हैं विद वन ट्रिपल बॉन्ड तो हम उसे बोलते हैं क्रोटोनाइल नाइलिन ठीक है नायल, आ, अब आपने इसकी आई यू पी ए सी नेमिंग करनी है तो मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कम नंबर देना है तो लॉन्गेस्ट तो यही है कम नंबर वन टू थ्री फोर ऐसे ही आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं वन ब्यूटाइन या फिर ब्यूट वन आइन जैसे यहाँ पर प्रॉप वन आइन लिखा है ब्यूट वन आइन ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास अगर फोर कार्बन है सेम बट अब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेंटर में है ठीक है यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने बोला कि फोर कार्बन और कंटेनिंग वन ट्रिपल बॉन्ड तो हम उसको क्या बोलेंगे क्रोटोनाइलिन बट अब कहाँ पर प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड बीटा पर तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हुई बीटा क्रोटोनाइलिन ठीक है बीटा क्रोटोनाइलिन ठीक है अब आपके पास ये आ गया इस दूसरी तरह से भी तो कॉमन नेमिंग हो सकती है ना तो यहाँ पर हमारे पास इसको हमने बोल दिया एसिटाइलिन बट यहाँ पर भी मिथाइल है यहाँ पर भी मिथाइल है तो यहाँ पे भी हम नेमिंग नंबरिंग देते हैं वन एंड टू तो वन टू डाई मिथाइल एसिटाइलिन वन टू डाई मिथाइल एसिटाइलिन ठीक है तो ये भी एक कॉमन नेमिंग है बट अब आपने करनी है आई नेमिंग तो आई नेमिंग में क्या देखोगे अब आप कि आई नेमिंग में लॉन्गेस्ट चेन कंटेन करता है लॉन्गेस्ट चेन जो कंटेन करता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को तो लॉन्गेस्ट चेन हुई ये वाली ठीक है अब आपने डब ट्रिपली बॉन्डेड पर कम नंबर लाना है कम नंबर ये नहीं होता कि वन लाना है ठीक है ये आई कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखा था मैंने बट आई के अकॉर्डिंग वन टू थ्री फोर तो कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है टू पर तो यहाँ पर नेमिंग होगी टू और मैक लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन कंटेन कर रही है फोर उसकी वजह से ब्यूट तो टू ब्यूटाइन ठीक है ये हमारे पास है कॉमन नेम आई यू नेमिंग ठीक है नेक्स्ट अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसकी हमने सिर्फ आई यू नेमिंग ही पढ़नी है कॉमन नेमिंग नहीं पढ़नी है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है सी एच थ्री सी सी एच थ्री C triple bond C then CH CH2 CH3 CH2 CH2 and CH3 ठीक है सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना तो यही होगी ये वाली चेन सबसे लॉन्गेस्ट है इसी को लॉन्गेस्ट मानेंगे हम ठीक है नेक्स्ट काम है हमारा कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर कम नंबर वहाँ से नंबरिंग देनी है तो यहाँ से नंबरिंग दू ना वन टू थ्री इधर से थ्री आ रहा है इधर से तो और भी ज़्यादा आएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब सब्सिटूंट्स आ गए सबसे पहले सब्सिटूंट लिखे जाएंगे उसके बाद और मतलब मेन चेन तो सब्सटीडेंट कहाँ कहाँ है फाइव पर टू पर फाइव पर जो सब्सिटूंट है वो है इथाइल और टू पर मिथाइल पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली इथाइल आएगा तो फाइव इथाइल नेक्स्ट क्या है टू मिथाइल कितने कार्बन्स हैं एट एट की वजह से ऑक्ट कौन से पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड थ्री आइन ठीक है फाइव इथाइल टू मिथाइल ऑक्ट थ्री आइन तो ये होगी हमारे पास आई यू पी एसी नेमिंग अब हमने करनी है कुछ नए स्ट्रक्चर्स की आई यू पी एसी नेमिंग ठीक है तो अब हमारे पास ये सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है तो यही वाली लॉन्गेस्ट होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब आप क्या करोगे आपको ये भी दिख रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बट ये यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कंटेन नहीं कर रही है तो लॉन्गेस्ट कौन सी होगी हमारी जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रही होगी और वो चेन है हमारे पास ये वाली ठीक है तो इसकी नंबरिंग कैसे करोगे आप वन टू सॉरी यहाँ से करेंगे कि यहाँ से जहाँ पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर कम नंबर आएगा तो यहाँ पर कम नंबर आ रहा है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन यहाँ कम नंबर आ रहा है तो अब आपने क्या देखना है सब्सिटीटूएंट एक तो थर्ड पोजीशन पर सब्सटिट्यूएंट है एक फिफ्थ और सिक्सथ पर है थर्ड पर जो सब्सिट्यूएंट है हमारे पास वो कौन सा है इथाइल और फिफ्थ और सिक्स पर मिथाइल तो पहले कौन सा आएगा इथाइल तो थ्री इथाइल फाइव सिक्स डाई मिथाइल कितने कार्बन हैं टोटल सेवन सेवन की वजह से हेप्ट कौन सी पोजीशन पर इन है तो हेप आइन है तो आप हेप्ट वन आइन भी लिख सकते हो और हेप्ट आइन भी लिख सकते हो अकेला ठीक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट है हमारे पास ये इसको अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो इसका एक रूल है वो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट ये कार्बन ये चेन है हमारे पास इधर से ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव यहीं से देंगे अब थ्री फोर पर सेम सब्सिटूंट है तो थ्री फोर डाई मिथाइल कितने कार्बन है पेंट वन आइन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ये है ये लॉन्गेस्ट चेन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर कम नंबर वन टू थ्री फोर देन थ्री मिथाइल ब्यूट वन आइन ठीक है यही होगा हमारे पास अब जब आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर एक हमारे पास रूल है सबसे पहले आपने लोवेस्ट नंबर का कॉम्बिनेशन देखना होता है ठीक है पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है उसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए फिर आपने देखना है कि कॉम्बिनेशन जो है वो लोवेस्ट नंबर का बने वो कैसे बनेगा देखो ज़रा लॉन्गेस्ट चेन तो यही है कोई सबस्टूडेंट नहीं है हमारे पास ठीक है अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो वन पोजीशन पे क्या आ रहा है आइन थ्री पर क्या आ रहा है इन ठीक है बट अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ यहाँ से दी तो हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन आई वन एंड थ्री नेमिंग में अगर यहाँ से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहाँ से कौन सी आ रही है थ्री एंड फाइव तो बेस्ट कौन सी है जो लोवेस्ट नंबर का कॉम्बिनेशन रखे दैट इज वन एंड थ्री तो यहां पर नेमिंग कैसे करेंगे हम सिक्स कार्बन है हेक्स हेक्स कितने पर इन इन ऐसे लिखोगे आप हेक्स थ्री इन वन आइन ठीक है अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है हमारे पास ये सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच यहाँ पर भी पहले हम देखेंगे कि इधर से नंबरिंग करें या इधर से अगर आप इधर से करते हो इधर से तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो नेमिंग में कौन कौन से डिजिट आएंगी वन एंड थ्री ठीक है अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर कौन से डिजिट आएगी टू एंड फोर तो लोवेस्ट नंबर का कॉम्बिनेशन कहाँ है यहाँ पर तो ये वाला करेक्ट है ये वाला करेक्ट नहीं है तो नेमिंग इसके अकॉर्डिंग होगी तो फाइव कार्बन है तो पेंट इन कितने पर है थ्री पर पेंट थ्री इन वन आइन ठीक है नेक्स्ट का एग्जाम्पल है हमारे पास सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये है हमारे पास ठीक है यहां पर लॉन्गेस्ट चेन तो ठीक है अब आप देखो नंबरिंग अगर हम यहां से नंबर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है डिजिट कौन कौन सी आ रही है टू एंड फोर ठीक है बट अगर आप यहाँ से वन देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ से भी क्या आ रही है टू एंड फोर सॉरी टू एंड थ्री तो यहाँ पर इधर से टू फोर आ रहा है इधर से टू थ्री आ रहा है तो लोवेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है लोवेस्ट कॉम्बिनेशन टू थ्री वाला है तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है तो हम नेमिंग किसके अकॉर्डिंग देंगे इसके अकॉर्डिंग तो टोटल कार्बन कितने हैं पेंट और वन नंबर किस पे आ रहा है डबल बॉन्ड पर पेंट वन इन और थ्री पे क्या आ रहा है आइन ठीक है तो आपने ऐसे सबसे पहले आपने लोवेस्ट कॉम्बिनेशन ही देखना है उसके बाद अभी मैं बताती हूँ क्या देखना है ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है ठीक है अब इसमें आप क्या देखोगे इसमें आप देखोगे कि आप नंबरिंग चाहे लेफ़्ट साइड से करो चाहे राइट right साइड से देखो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है वन एंड फाइव अगर आप इधर से करते हो तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इधर क्या आया वन एंड फाइव दोनों जगह सेम ही है तो जब आपके पास ऐसा हो कि आप चाहे किस साइड से भी नेमिंग करो कॉम्बिनेशन दोनों का सेम आता है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं इस केस में प्रेफरेंस इज़ गिवन टू डबल बॉन्ड ठीक है तो डबल बॉन्ड कार्बन पर क्या आना चाहिए कम नंबर तो ये वाला जो है करेक्ट है नीचे वाला रॉन्ग कंसीडर करेंगे तो नेमिंग क्या होगी सिक्स कार्बन है हेक्स वन इन एंड फाइव आइन ठीक है तो ये हमारे पास नेमिंग है इसकी इसकी नेमिंग आप ऐसे नहीं लिखोगे हेक्स सिक्स इन एंड वन आइन ऐसा नहीं ये रूल है हमारे पास कि अगर दोनों साइड से सेम कॉम्बिनेशन आते हैं तो हम डबल बॉन्ड को क्या देते हैं प्रेफरेंस देते हैं तो अभी जो नेक्स्ट पढ़ना है हमने वो पढ़ना है आइसोमेरिज्म इन एलकाइंस ठीक है तो आइस एल्का्काइंस में जो हमने आइसोमर्स पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ठीक है structural isomers, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर है चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर एंड रिंग चेन आइसोमर ठीक है तो सबसे पहले आपने पढ़ना है चेन आइसोमर तो चेन आइसोमर से आपको समझ के आता है चेन आइसोमर आपने पहले भी पढ़ा है चेन आइसोमर का मतलब होता है कि हमारे पास चेन में वेरिएशन हो कि पहले अगर लीनियर है तो दूसरी कैसी होगी ब्रांच चेन होगी फॉर एग्जांपल आपके पास पेंट वन आइन है तो पेंट वन आइन कैसे बनाओगे आप सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये पेंट वन नाइन हो गया अब इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या चेन आइसोमर क्या पॉसिबल है ये तो लीनियर चेन है अब आपने क्या किया यहाँ पर इस चेन में ब्रांचिंग शो कर दी तो ये हमारे पास कैसा आइसोमर है चेन आइसोमर है ठीक है तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं चेन आइसोमर ठीक है नेक्स्ट जो अब हमने पढ़ना है वो पढ़ना है पोजीशन आइसोमर तो पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं पोजीशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं पोजीशन ऑफ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को चेंज कर देते हैं ठीक है मींस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पोजीशन विल बी चेंज्ड ठीक है वेरी करेगी वो कैसे वेरी करेगी अब देखो आपके पास सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है ये है हमारे पास इसको आप क्या बोलोगे ब्यूट वन आइन ठीक है अगर अब हम ऐसे कर लिख दें इसको सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड सी एच थ्री तो ये क्या हो गया ब्यूट टू आइन मीन्स आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या कर दी है चेंज कर दी है ठीक है है तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एंड सेम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजनज है बट हमने पोजीशन चेंज कर दी है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म फंक्शनल आइसोमरमेरिजम मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर देना मैंने आपको अभी बताया था कि जो अल्काइन्स होते हैं दे शो विद विथ एल्काडाइन्स ठीक है तो अगर आपके पास कोई एल्काइन है सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है ये क्या है ब्यूट वन आइन ठीक है ये आइसोमेर आइसोमेरिज्म शो करता है विद ब्यूटा डाइन सी एच टू सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो ये क्या है वन टू थ्री वन थ्री ब्यूटा तो देखो सेम स्ट्रक्चर सॉरी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है तो ये होता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर नेक्स्ट आता है आपके पास रिंग चेन आइसुमेज़म जैसे आपके पास एल्कीन जो है रिंग चेन आइसुमरिज्म शो करते हैं कि नहीं करते हैं करते हैं वो एक बार आप ध्यान से दोबारा से एक बार देखना तो वो रिंग चेन आइसोमर शो करते हैं एल्कीन वो कैसा मतलब उस जैसे आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो साइक्लिक शो करेगा विदाउट एनी डबल बॉन्ड बट अगर मान लो आपके पास एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है तो ये आइसोमेरिज्म शो करेगा साइक्लिक के साथ विद प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड ठीक है तो ये हमारे पास क्या है रिंग चेन आइसोमर तो ये हमारे पास वन प्रोपाइन है वन टू एंड थ्री वन प्रोपाइन ठीक है और ये कैसा आ गया हमारे पास साइक्लोप्रोपीन तो ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइसोमर्स ऑफ एल्काइंस ठीक है अब आपके पास आपके लिए क्वेश्चन है कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ वन पेंटाइन आपने वन पेंटाइन के लिए जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं आपके अकॉर्डिंग आपने सब आइसोमर्स क्या करने हैं ड्रॉ करने हैं ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस टर्मिनल का मतलब ही होता है कॉर्नर्स मतलब एट द एंड मतलब एक्सट्रीम एंड ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल ठीक है नॉट कॉर्नर मतलब एंड ठीक है तो मान लो आपके पास ये एल्काइन है सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच मीन्स या तो जहाँ से रिंग स्टार्ट हो रही है या जहाँ से एंड हो रही है दोनों के कहीं भी प्रेजेंट होती है तो हम कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा आपको एंड ऑफ द चेन पे तो हम उसको क्या बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन तो ये हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है फॉर एग्ज़ाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो ये भी क्या है हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है ठीक है अब नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन टर्मिनल एल्काइन नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो चेन के बीच में प्रेजेंट होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन फॉर एग्ज़ाम्पल सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड सी एच थ्री तो ये हमारे पास कैसी है टर्मिनल एल्काइन नॉन टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि चेन के बीच में क्या है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है इंटरनल एल्काइन भी बोल देते हैं हम इसको नॉन टर्मिनल के साथ साथ क्या बोल देते हैं इंटरनल एल्काइंस तो ये आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल क्या होता है और नॉन टर्मिनल क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ एल्काइंस डू नॉट शो जोमेट्रिकल आइसोमर्स ठीक है एल्काइंस डू नाट शो जोमेट्रिकल आइसोमर्स अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ठीक है क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको पता है कि जोमेट्रिकल आइसोमर किसके लिए बनना बनाए हैं अभी हमने लास्ट एल्किन्स के लिए ठीक है एल्किन्स में आपको क्या कंडीशन चाहिए सिस और ट्रांस होना चाहिए तभी आप बोलोगे ना एक जैसे मान लो यहाँ पर सी एच थ्री यहाँ सी एच थ्री यहाँ पर एच यहाँ एच तो ये तो एल्किन्स के लिए क्या हो गया ट्रांस हो गया इसी तरह सिस बना सकते हैं हम बट आपके पास एल्काइन है ठीक है एल्काइन की ज्योमेट्री कैसी है लीनियर है एल्काइन में जो अरेंजमेंट है वो कैसी है लीनियर अरेंजमेंट है लीनियर अरेंजमेंट की वजह से ये यहाँ पर हमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है यहाँ पर हम सिस ट्रांस शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जोमेट्रिक ऐसी है लीनियर है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं शो करते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ़ एलकाइंस स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन्स में सब हम सबसे सिंपलेस्ट ऑफ एल्काइन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सी है एसिटाइलिन एसिटाइलिन को हम क्या बोलते हैं सबसे सिंपल एल्काइन ठीक है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है अब इस एल्काइन को आप ध्यान से देखना इसमें आपको कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं कितने पाए बॉन्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर हमें वन टू थ्री थ्री सिग्मा बॉन्ड्स है ठीक है एंड टू पाई बॉन्ड्स है ठीक है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अगर आप वन कार्बन की बात करते हो तो एक कार्बन के साथ वन सिग टू सिग्मा बॉन्ड्स एंड टू पाई बॉन्ड्स ऐसा ही है एक कार्बन के साथ देखो टू वन एंड वन टू एंड टू ऐसा ही है ठीक है बट टोटल कितने हैं सिग्मा एंड बॉन्ड्स अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C H H जो हर एक कार्बन है ये दोनों कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड हैं एस पी एंड एस पी ठीक है S, S, अब ये भी एस पी है ये भी अब एस पी के कितने हम अलग अलग कार्बन की बात कर लेते हैं एक बार यहां पर अब एक कार्बन के दो एस पी हाइब्राइज ऑर्बिटल दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे अब दो एस पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल से वन एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगा वन एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल ओवरलैप विथ किसके साथ ओवरलैप करेगा ओवरलैप विथ वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ऐसा ही होगा ठीक है फर्स्ट एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो ये करेगा एंड सेकेंड एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगा सेकेंड एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल ओवरलैप विथ एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा देखो यहाँ पर ये एस पी टू एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है एक ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाया एक ने यहाँ तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा लीनियर और वो कैसे लीनियर आएगा ध्यान से देखना यहाँ पे आपके पास क्या है कार्बन यहाँ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं अभी सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन अभी वी आर कंसिडरिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड्स ठीक है तो यहाँ पर क्या है ये बना कैसे हाइड्रोजन का एस और कार्बन का एस पी ये कैसे बना एस पी ऑफ दिस कार्बन एंड एस पी ऑफ सेकेंड कार्बन ये कैसे बना एस पी एंड ये एस ठीक है तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया ही हो गया क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन के पास दो एस पी ऑर्बिटल हैं तो ये हो गया एक कार्बन के लिए कार्बन वन और कार्बन टू के लिए ये हो गया सेकेंड कार्बन के लिए ठीक है दो एक एक एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो आपस में ओवरलैप कर लिया और दूसरे जो बचे एस पी हाइबिटाइज ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के वन एस के साथ ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास कैसी एक तरह से कैसा मॉलिक्यूल है ये हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है ठीक है बट ये जो बॉन्ड बन रहे हैं दो बॉन्ड भी तो नज़र आए हैं हमें वो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं जो ये दो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये बन रहे हैं साइड वे ओवरलैपिंग से अब आपके पास टू बॉन्ड्स हैं ठीक है तो ईच कार्बन के साथ है ना ये तो ठीक है तो ईच कार्बन मस्ट कंटेन टू अनहाइबिडाइज्ड पी ऑर्बिटल तभी बनेंगे टू अनहाइबाइज पी ऑर्बिटल्स तभी बॉन्ड्स बनेंगे ठीक है अब ये जो अनहाबिडाइज पी ऑर्बिटल्स हैं ये कैसी होंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर च अदर एंड टू द एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑल्सो ठीक है किस किस के परपेंडिकुलर होंगी एक तो खुद के परपेंडिकुलर तो होंगी ही होंगी क्योंकि दोनों क्या होंगी अलग अलग एक्सेस पे होंगी परपेंडिकुलर एक्सेस पे होंगी और टू द परपेंडिकुलर टू द एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ठीक है तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा ध्यान से देखना आपके पास सी एच इधर भी सी एच अब सिग्मा तो आपने दिखा दिया पाए बॉन्ड जो है एक ये कार्बन इसके दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होंगे एक ये दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड इसके भी दो होंगे एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया और दूसरा ये अनहेबाइज्ड हो गया ठीक है अब ओवरलैपिंग कैसे होगी ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ इधर ये वाला इसके साथ और ये वाला इधर ओवरलैप शो करेगा ओवरलैपिंग शो करेगा ठीक है तो ऐसे क्या बनेगा हमारे पास टू पाई बॉन्ड्स अब एक चीज़ ध्यान से देखना ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है आपस में ठीक है तो एक वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा अबव एंड बिलो द प्लेन ठीक है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा दूसरा भी तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर है एट फ्रंट एंड बैक एट फ्रंट एंड बैक तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे एक जो फ्रंट में लाई करेगा बैक में लाई करेगा और एक अबव एंड बिलो द प्लेन लाई करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे और आपने देखना है कि यहाँ पर देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन टू पाए बॉन्डजल्सो जो ये दो पाए बॉन्ड बन रहे हैं इनमें खुद में भी ओवरलैपिंग होगी ठीक है उस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो कैसा बनता है सिलेंड्रिकल बनता है ठीक है देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स ठीक है जब टू पाई बॉन्ड्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी देन फोर लोब्स ऑफ टू बॉन्ड्स फोर लोब्स ऑफ टू बॉन्ड्स क्या करेंगे मर्ज हो जाएंगे ठीक है मर्ज टू फॉर्म सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे विल मर्ज टू फॉर्म सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा आएगा सिलेंड्रिकल आएगा तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे एग्जिस्ट करता है आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अल्काइन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास सिलेंड्रिकल ही होगा ये हमारे पास सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ठीक है होता किसकी वजह से बिकॉज टू बॉन्ड्स आपस में ओवरलैपिंग शो करते हैं जिसकी वजह से मर्जिंग हो जाती है फोर लोब्स की और हमें कैसा मिलता है सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है तो ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू